राज्य सत्र होगा और कितने किन किन विधेयकों को किन किन जो चीजें होती है उस विधायी कामकाज कितना ज्यादा हो पाएगा इसलिए अनुकूल बजट के अलावा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसमें से एक किसानों के हित में फैसला लिया है विभिन्न परिस्थितीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की योजना के संदर्भ में प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग खर पतवार आज से 15 से 20% क्षति है 30% जो क्षति होती है उसमें 26% रोगों से 30% कीटों से 7% भंडारण के कीटों से 6% चूहों तथा 8% अन्य कारकों कारक उसके भीतर शामिल है। इनके लिए एक फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192,57,75,000 रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34,17,00,000 रुपए से का किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। विशेष रूप से कृषि रक्षा रसायन और बायो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के लिए 5,00,000 और 20% खाद्यान्न किसानों को उत्पन्न उत्पादन हो सके इसके लिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स पर यह हमारी यहाँ राज्य की 9 IPM प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है उत्पादन किया जाता है उसमें 75% अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना और बायो एजेंट्स शामिल हैं। दूसरा खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण के 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा जिसमें किसानों को आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी वह उससे सुलभ कराए जाएंगे। कृषकों को प्लांट प्रोटेक्शन की दृष्टि से फुट स्प्रेयर नैपसेक स्प्रेयर पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जो मानव चालित हैं उनके ऊपर 3,000 रुपए की सीमा में 1,500 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा और जो पावर से संचालित हैं उस पर 6,000 पर 50% की सब्सिडी यानी 3,000 रुपए पर उपलब्ध होगा। फसलों के सुरक्षा रखे जाने के लिए 2-3-5 क्विंटल की बखारी भी 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और इससे 10,000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। IPM प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण और कीट रोग के प्रयोग उनके सर्विलेंस और साथ की फसलों की निगरानी निदान प्रणाली के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम इसके साथ आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से आज ये उत्तर प्रदेश के किसानों की इस योजना में 2017-22 के बीच में 11,58,321 किसान लाभान्वित हुए थे। 2022-27 तक लगभग 41,42,000 किसानों के लिए इस योजना से उनको आच्छादित किया जाएगा ये प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास विभाग का एक प्रस्ताव एक नहीं बल्कि 12 प्रस्ताव पास हुए हैं जिनमें 4 नए नगर निकायों के नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था जिसमें कुशीनगर की मथौली देवरिया जिले की हेतिमपुर जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है इनका बहुत आग्रह भी था अयोध्या की माँ कामाख्या
ये गांव सुनवा है, लेकिन वहां चूंकि माँ कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए माँ कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है। फरुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार चार नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। और इन आपको याद होगा कि जुलाई के पहले 4734 नगर निकाय हुआ करते थे, जिनमें 19 नए जुड़े और एक रामनगर बनारस का रद्द हुआ, तो 752 रह गए थे। और आज के चार निकायों के साथ, नवगठित निकायों के साथ कुल संख्या 756 हो जाती है। जहां विस्तार हुआ है उनमें पुनः देवरिया माननीय साहिब जी का यहां भी बहुत इंटरेस्ट था और इनकी काफी मार्गदर्शन मिला। उसमें देवरिया का नगर पालिका परिषद का हम लोगों ने सीमा विस्तार किया है और अलीगढ़ नगर निगम का की सीमा का भी विस्तार किया गया है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की रामकोला है, लखीमपुर खीरी की धौरहरा है और फरुखाबाद की कंपिल है। कंपिल और विशेष रूप से माँ कामाख्या का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। हाँ, मतलब पुरानी एक संकिसा भी एक पुरातन सिटी है। कंपिल जैसा मैंने कहा कि एक प्राचीन और पर्यटन के स्थल हैं, अयोध्या की माँ कामाख्या बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन तीन विशेष क्षेत्रों के विकास और सामान्य रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और आप सबको मालूम है कि देश के और प्रदेश के की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का बहुत योगदान होता है, तो हम उस योगदान को और भी बेहतर कैसे बढ़ावें, कैसे उसको हम और भी गति दें, इस आशय से इन नए नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार किया गया। निकायों को हर प्रकार से उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता में वृद्धि करने का चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने 1533 और संभव जैसी व्यवस्थाएं खड़ी की, जिससे उनको टेक्नोलॉजी के उपयोग की आदत पड़े और नागरिकों को उनसे अपनी अपनी सेवाएं लेने के भी सरलता हो जाए। उसी प्रकार उनके जो वित्तीय प्रबंधन का काम है, उनकी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम है। कल ही हमने प्रदेश के सभी नगर निकायों के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनका एक पूरे दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप हमने रखा है। तो ये सब प्रक्रिया हमने शुरू किया है जिसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे। इसकी हम अलग से बात करेंगे और इसकी विशेष हम लोग चिंता भी करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं जिसका आज मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है। वर्षाकालीन पावस सत्र का 19 सितंबर से शुरुआत हो, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने आज निर्णय किया है। माननीय श्री राज्यपाल जी के पास उसका रिकमेंडेशन भेजा है। अब ये इंतजार करिए, सब आप एक ही दिन में क्यों पूछ लेना चाहते हैं? थैंक यू सर, धन्यवाद आप सबको। सर, उसकी तैयारी डायरेक्टर कर रहे हैं।